नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के गांव तोलावाल में एक युवा किसान की खेत की मोटर पर मिली लाश। पारिवारिक सदस्यों ने मुख्यमंत्री व पुलिस प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गत दिनों बाबा मोहनदास मार्केट में हुई लूट के मामले को 24 घंटों में सुलझाया। जालंधर रेलवे स्टेशन से श्री गुरु रविदास जी महाराज की जन्म स्थली काशी के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन से संगत का जत्था हुआ रवाना। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के गांव तोलावाल में 31 वर्षीय युवा किसान का खेत की मोटर पर शव मिलने से दहशत का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक किसान बिजली मोटर मिस्त्री का काम भी करता था, जो कि बुधवार की शाम अपने घर से निकला और वापस घर नहीं आया। घर आई तो उसकी मौत की खबर ही आई। घर वालों और गाँव वासियों ने जब मृतक के खेत में जाकर देखा तो मंजर दर्दनाक था। खेत की मोटर वाले कमरे में बिस्तर पर लोई लेकर बैठे इस युवा किसान के नाक और मुंह से खून निकलकर बुरी तरह जम चुका था और पहली नज़र में मौत की वजह समझ में आनी टेढ़ी खीर लग रही थी। युवा किसान की मौत से परिजन सदमे में हैं और मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डीएसपी सुनाम भरपूर सिंह ने खुद घटना की अहमियत समझते हुए घटनास्थल का दौरा किया और मृतक के भाई के बयानों पर हत्या का मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुनाम के सिविल अस्पताल में भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं मौके पर जाके आया। सैबर सिंह है, सन ऑफ गमदूर सिंह, 31-32 साल एज है जी। ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੋਲਾਵਾਲ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ 8:30 ਵਜੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੂਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਤਰੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਡਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਤ ਦਿਵਸ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੂਟ ਲਿਆ ਥਾ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਥੇ। ਵਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੋ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਸੁਲਝਾਤੇ ਹੋਏ 4 ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲੂਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਤੇ ਥੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭੀ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ। अपने नशे की पूर्ति के लिए वे 35 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर सहित कई गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने उक्त आरोपियों से विद्यार्थी का लूटा हुआ मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि एक नौजवान अपने ही पिता का रिवॉल्वर लेकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। अगर जांच में पता चलता है कि जिस नौजवान ने रिवॉल्वर के साथ वारदात को अंजाम दिया था, अगर वह उसके पिता की निकली तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय कुमार उर्फ अज्जू, ज्योतनाथ उर्फ काका, विकास कुमार उर्फ बिल्ला और बॉबी के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उधर जेड़ा मकसद सीगा जेडी कल वारदात हुई सीगी जालंधर च पिस्टल दी नोक ते जेड़ा बाइक खोया सीगा उस तो बाद साड़ी सीआईए दी टीम एसएचओ डिवीजन वन ते एडीसीपी डिटेक्टिव इन्हों दी टीम ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए चार बंदों ये अरैसट किया है एंड चार वैपन रिकवर किए हैं एंड उस तो अलावा इन्हों का जोड़ा है क्रिमिनल काफ़ी व्डा रिकॉर्ड सेगा टोटल इन्ह के काफ़ी वारदात हजे तो असी इन्हों वरंट से लेंगे अभी इसको रिमांड से लेंगे इनको रिमांड तो बाद जो भी सामने आएगी थोनों दसागे लेकिन फिलहाल जो सूँ पता लगे इन्हे हूँ तक इन्ह ने तकरीबन 20 वारदात की है जिन्हें 17 FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैगी सानू वांटेड सीगे 17 FIR च और मैक्सिमम इन्हां दी सीगी जिहड़ी स्नैचिंग दी सीगी और लेटेस्ट इन्हां ने 2023 में भी एक स्नैचिंग इत्थे कपूरथला चौक ते कीती सीगी उस तो अलावा इन्हां दा जिहड़ा पुराना जिहड़ा सिगरट दे खोखे दे बाहर सीगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही जिहड़ा शराब दा ठेका हो गया उस तो अलावा इन्हां दा जिहड़ा पुराना जिहड़ा रिकॉर्ड हैगा कपूरथला च एंड अपने देहाती वो भी इसका इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हैगा उत्थे भी इन्हों के स्नैचिंग दे लुटा खोआ दे 307 ही FIR हैगी ये टोटल चार बंदे असी अरैसट किए हैं जिसमें ज्योतनाथ हैगा विकास हैगा बॉबी एंड अजय कुमार। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज की जन्मस्थली वाराणसी के काशी के लिए श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिवस मनाने के लिए संगतों का बड़ा जत्था जालंधर रेलवे स्टेशन से बेगमपुरा एक्सप्रेस से रवाना हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान विशेष रूप से जालंधर पहुंचे और उन्होंने बेगमपुरा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले डेरा सचखंड बल्ला से संगत का जत्था शोभायात्रा के रूप में रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां पर आस्था का सैलाब देखने को मिला तो वहीं जालंधर का रेलवे स्टेशन श्री गुरु रविदास जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से डेरा सचखंड बल्ला के संत महाराज निरंजन दास जी के साथ मुलाकात भी की गई और सभी देशवासियों को श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व की बधाई भी दी। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। मेरे को सारी कमेटी आई सी और मैं इन्होंने यही कहा सी कि मैं खुद आऊँगा और मैं यही अरदास करूँगा परमात्मा के कि जिहड़ी संगत दा विश्वास जो इच्छावां लैके जो श्रद्धा लैके तुसी जा रहे हो वो श्री गुरु रविदास जी पूरियां करन और सारा मीडिया खड़ा इत्थे जलंधर का। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किसी एक फिरके का प्रोग्राम नहीं, एक वर्ग का प्रोग्राम नहीं, सारयां दा प्रोग्राम। पंजाब की नवी सरकार जिहड़ी तुसीं बनाई है तुहाडी अपनी सरकार तां असीं उस दिन फैसला किया। आम तौर पर की हुंदा सरकारी दफ्तरां च पंजाब दे च जदों मुख्यमंत्री बदल जांदा है तां फोटोआं बदल जांदियां ने तां नवें मुख्यमंत्री दीआं फोटोआं लग जांदियां ने। असीं उस दिन फैसला किया मेरी फोटो नहीं लगेगी किसी सरकारी दफ्तर च, मेरे दफ्तर च भी उत्थे शहीद भगत सिंह ते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की फोटो लगेगी जिन्होंने सानू संविधान दिता। तुसीं देख सकते होंगे दफ्तर के भी जाते रहते होंगे और सख्ती नाल सी कहा एक शहीद भगत सिंह है जिन्होंने आजादी लैके आने च योगदान दिता, दूजा ने आजादी नू संभालने लई संविधान लिखिया बराबरता। अज ये करके MLA साहब सारे साढ़े जिन्हें भी खड़े ने जिदे करके मंत्री बने हुए हैं जिदे करके देश के
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत बड़े बड़े पदवियों से पहुँचते हैं। ये डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का सुपना सी, तो उन्होंने सुपना सी एजुकेशन का, और उन्होंने आप खुद विदेशों जाके PhDs की थी। PhD पढ़ना बहुत औखा सी, घर के हालात ठीक नहीं सी, घरें आते सी थोड़े पैसे जमा करते सी फिर जाते सी, तो उन्होंने हमेशा एजुकेशन तरजीह दी। उ तरजीह साड़ी है पंजाब की सिक्ख्या का क्रांतिकारी जिहड़ा सी काया पलट करांगे। गरीबों के बच्चे जिहड़े पढ़नगे, दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक मजदूर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, तो एक जज का बच्चा इको बेंच से बह के पढ़न लाते, इको किताब पढ़न लाते। अज गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। जदों तुहाडे बच्चे पढ़ जाएंगे वो थोड़ी गरीबी चकनगे, और कोई थोड़ी गरीबी चक नहीं सकता। वैसे नारे जो मर्जी दे जाने असं गरीबी हटा देंगे ना, जिन्ना चिर सिक्ख्या नहीं आती। डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का सुपना जिहड़ा अधूरा सी उन्हूं पूरा करन वास्ते असीं लगे होए हां। स्कूल ऑफ एमिनेंस भी होणगे, हैल्थ दे विच भी आ रहे हां। मैं थोनू सर संत निरंजन दास जी, मैं कोई पहली बार नहीं मिलिया, जदों आपस अखां मिलियां साडा एक दूजे नाल, दोनों का समाइलिंग फेस नाल सामना होया, क्योंकि दिल साफ है। उधरों तो दिल साफ है ही है, साडी भी नीयत साफ है, दिल साफ है। जिन्ना चिर तुसीं विश्वास करते रहोगे गरीबों के हक च, तुहाडे द्वारा दिता होया पेन चलता रहेगा और चलता रहेगा। परमात्मा अगे यही अरदास करते हैं, श्री गुरु रविदास जी अगे यही अरदास करते हैं कि सानू बल बख्शी, शक्ति बख्शी, कोई गलत जगह पर पंजाब के जिहड़े लोगों के हक के फैसले होण, कोई गलत फैसला ना साथ हो जाए, क्योंकि जे सानू गुरुआं दी, पीरां दी, शहीदां दी जिहड़ी प्रेरणा है, साडी मिट्टी है, असीं हर रोज़ उस धरती का पानी पीने हैं। तो मैं थोनू सारे में विश्वास दवाना, मेरे ते यकीन रखियो, एक भी बच्चा इस करके कि उहदे कोले फीस नहीं, इस करके कि उहदे कोले साइकिल नहीं, इस करके कि उहदे कोले स्कूल जाने वास्ते बस नहीं सी, इस करके अनपढ़ नहीं रहेगा। गरीबों के बच्चों पढ़ावांगे, स्कूल नंबर वन बनावांगे। मर्जी थोड़ी होगी, प्राइवेट च पढ़ाउणा प्राइवेट च पढ़ा लिओ, सरकारी च पढ़ाउणा सरकारी च पढ़ा लिओ, पढ़ाई इक्को जी होगी। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगनी। इधर तो बस सिर्फ बच्चे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनावांगे, बच्चा जिहड़े पासे जाना चाहुंदा उहनूं उतले पासे लैके जावांगे। जे बच्चा खिडारी बनना चाहुंदा नौवीं क्लास तो उहनूं कोचिंग देनी शुरू करांगे। जे बच्चा डॉक्टर बनना चाहुंदा नौवीं दसवीं क्लास तो उहनूं डॉक्टरी वल लैके जावांगे। ये नहीं हैगा कि उहदे उत्ते थप्पीए आपां कि पुत तूं आही बनना है, वह बच्चे का इंट्रस्ट कई बार नहीं हुंदा उस पासे। सो इस करके तुसीं जा रहे हो उस मुकद्दस, उस पवित्र जगह पर, मेरे वालों भी मत्था टेकना, और मैं 5 तरीक नूं भी इत्थे भी दोबारे भी आऊँगा, जिन्नी बारी कहूँगी आऊँगा, क्योंकि मैं तो यही कहना हुन्ना कि जिहड़े समाज दे विच दबे कुचले लोग रह गए, पछड़े रह गए, उन्होंने उपर चकन का मौका है। 5 साल मैनू परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाती, जे कितने 5 साल च मैं थोड़िया बहुत भी जिंदगी बदलने च कामयाब हो गया, मेरे ख्याल च जो कर्जा पंजाब ने मेरे सिर चढ़ाया होया थोड़ा बहुत लाने मैं कामयाब हो जाऊंगा। थोड़े वर्गा थोड़े नाल हाँ। ट्रेन का टाइम हो गया, तो तुसी सारे शांति नाल ट्रेन वल नूं जाओ, हरी झंडी दिखा के ट्रेन इत्थों रवाना करेंगे। सुखी संधि जाओ, तो सुखी संधि वापस आओ गुरुआं दा आशीर्वाद लैके। अमृतसर में खालसा कॉलेज के मेन रोड पर एक बस ने ईंटों से भरी ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिस कारण ट्रॉली सड़क पर पलट गई, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। तो वहीं ट्रॉली पलटने पर राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक ने अपना नुकसान होने पर प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो एक्सीडेंट होया बिना नंबर तो ट्रैक्टर है, तो हम देख लिया, यहाँ कोई कागजी पत्र नहीं, तो देख लो ओवरलोड लद गए शहर के लिए फिर, जो कि कानून मुताबक ट्रैक्टर ये चीज़ा लौड़ ही नहीं है, ये कि अपना हलारा मारिया कि ट्राली ने, तो ट्रैक्टर के ना अपना जो ट्रैक्टर आ वो जाती बस के नाल लग गया,
ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਥੋਂ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕੈਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀ ਬੀ ਬਲਾਕ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਰ? ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆੜਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਬੱਸ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰਾਹਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬੱਸ ਮਾਰਤੀ ਆ ਟਰਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡੋਂ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਕਿਰਾਨੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਬਿਕਨੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲਕਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾ, ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਾਂਚੋਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ, ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, जो देश स्वतंत्र होने के बाद में परिस्थिति यह थी, खाने के मुमताज था हिंदुस्तान, और उसमें जनसंख्या क्या थी, 35-40 करोड़ की जनसंख्या, वो 40 करोड़ की जनसंख्या को भूख मिटाने के लिए बहाना नहीं था, अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा है। तो मैंने खाया, हम लोगों ने राशन के माध्यम से, वो लाल गेहूं आता था उसकी रोटी इतनी चमड़े की जैसी रोटी कड़क थी, वो हमने खाई तो मैंने खाई थी, उसका रास्ता नहीं। पर आज देश की परिस्थिति 135 करोड़ की जनसंख्या, उसके बाद में उनके लिए भरपूर अनाज ऐसा नहीं है, उनके हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी में हैं, कई एक्सपोर्ट करते हैं। जिला तरन तारण के कस्बा फतेहबाद के मंदिर में चोरी करने आए चोरों को जब मंदिर के पुजारी ने देख लिया तो चोरों ने मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर उससे 50,000 रुपये की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। चोरों ने मंदिर में पड़े 3 गोलक तोड़कर उनसे भी नकदी निकाल ली और मंदिर में लगे CCTV कैमरे के DVR को अपने साथ ले गए। इस दौरान जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुछ महीने पहले भी चोरों की ओर से इसी मंदिर को निशाना बनाया गया था। वहीं थाना गोविंदवाल साहिब के प्रभारी रजेंद्र सिंह ने कहा कि आसपास के CCTV कैमरे की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द चोरों को काबू कर लिया जाएगा। भिकी पिंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। निवासी पिंड दे यानी संगत जी सारी उस टाइम इकट्ठी हो गई ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੀਸ ਨਾਗ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ, ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਹੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਸੋਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਸਾਰੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਥਾ, ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਲਗੀ ਤੋ ਹਮ ਬੂਆ ਖੋਲੇ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਥੇ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਮਕੋ ਪਕੜ ਲੀਏ, ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਹਮਕੋ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਕਹੇ ਜੋ ਸੋ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਹਮ ਆਂਖ ਖੋਲਤੇ ਥੇ ਤੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਆਂਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਥਾ, STD ਥਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਥਾ, ਪੈਸੇ ਥਾ, ਸਭ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਪਰੇ ਜੋ ਥਾ ਸਭ ਨਿਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਹਮਕੋ ਕੁੰਦਾ ਲਗਾ ਦੀਏ। ਅਬ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਥੇ ਔਰ ਕਬ ਗਏ ਕੈਸੇ ਕੀਏ ਸੋ ਹਮਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸਮੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਥੇ, ਜਬ 7 ਵਜਾ ਹੈ ਤੋ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਤਬ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੇ ਹੈ, ਤਬ ਹਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DVR ਲਾਇਆ, DVR ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र बमियाल में एक विशेष मीटिंग की गई, जिसमें भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि भाजपा की ओर से पंजाब भर के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में मीटिंगें की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन मीटिंगों का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यह संदेश देना है कि पूरा देश सीमा पर रह रहे इन लोगों के साथ है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन लोगों को आ रही मुश्किलों के बारे में जानकारी लेकर केंद्र तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा को मजबूत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग जगहों पर मीटिंगें की जा रही हैं, जिससे आने वाले चुनावों में नतीजे बढ़िया आएंगे। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा ये पार्टी का संगठनात्मक एक हमेशा चलन वाला कार्यक्रम है। पंजाब की वर्किंग कमेटी तो बाद हर जिले के अंदर वर्किंग कमेटी होनी है। हाँ, इसकी एक विशेषता है कि जितने भी जिले बार्डर के नाल लगते ने उन्हें सब दिया बैठक जड़िया बार्डर के नाल लगते हुए पिंड होंगे, जिन्हों चो पठानकोट जिले ने अज बमियाल के अंदर अपनी बैठक की है। ये गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फजिलका, ये सारे ही बार्डर डिस्ट्रिक्ट ने 6 दे 6, इन्हों सब की बैठक जी है पिंड होएगी बार्डर के उत्ते। वह कारण है कि यह संदेश देना कि बार्डर के उत्ते जोड़े पिंड ने पूरा देश उन्होंने नाल है, ये जड़िया भी केंद्र के लाभ ने क्या उन्होंने तक पुज रहे हैं यदि जानकारी प्राप्त करना, उन्होंने ओकड़ उत्थे सड़क कनैक्टिविटी किदा दी है, हैल्थ का की है, शिक्षा का की स्तर है, ये सारे विषयों की जानकारी लैनी और जो केंद्रीय पद्धर के उत्ते हो सकता है उपर सूचना देनी। और ये पंजाब के भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप के अंदर मजबूत होए, क्योंकि गठबंधन तो बाद हूँ BJP पहली बार पंजाब के हर पिंड तक, हर बूथ तक और हर घर तक जाने के लिए पूरी तरह नाल कार्यकर्ता नूं लामबंद कर रही है। फिरोजपुर में लूटपाट और चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है और ऐसा लगता है कि लूटपाट करने वालों को पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं रहा, जिसके चलते फिरोजपुर पुलिस द्वारा जिले भर में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी वारदातों को रोका जा सके। इस मौके पर फिरोजपुर ट्रैफिक इंचार्ज ASI गुरमीत सिंह ने बताया कि SSP फिरोजपुर की हिदायतों के अनुसार लूटपाट और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए जिला फिरोजपुर में जगह जगह नाकाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि बिना नंबर वाले और बिना कागज के वाहनों को रोककर उनके चालान किए जा रहे हैं,
तो वहीं बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने वालों के भी चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी वाहन चलाने वाले लोगों को हिदायतें दी हैं कि वे अपने वाहनों के कागज अपने साथ रखें और पूछे जाने पर उन्हें दिखाएं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। जो कि शहर विच चोरियां रोकने लई अते होर जिहड़े गलत आंसर गलत काम करदे उन्हां नूं रोकण वास्ते SSP साहब दे हुकम दी पालना करदे होए असी जिहड़ा सुबह तो लैके शाम तक नाकाबंदी की और नाकाबंदी करने विच 36 बंदियां नूं चैकिंग की गई। चैक के दौरान जिहड़े जिन्हां दे डाकूमेंट नहीं पाए गए जां बिना नंबर मोटरसाइकिल पाए गए उन्हां मोटरसाइकिल नूं बाउंड भी किया और बाकियों के चलान भी किए जी। किन्ने चलान कट अज असी सुबह तो लैके हुण तक 14 चलान किए जिदे विच 2 बुलेट है और जिदे विच 3 मोटरसाइकिल बाउंड किए गए हैं। इनो किड्स के नन्हे मुन्नों की प्रतिभा को निखारने के लिए इनोसेंट हार्ट्स स्कूल नूरपुर के प्री प्राइमरी विंग के बच्चों के लिए विवेशियस वाइब्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय सीजन्स था। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए ग्रेट स्कॉलर्स के नन्हे मुन्नों की प्रस्तुति से हुई। वहीं ग्रेड डिस्कवर्स 1 की छात्रा पुष्टि चावला के साथ बाकी के बच्चों ने समर 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 एंड रेनी सॉन्ग बरसोरे मेघा पर डांस किया। डिस्कवर्स 2 के छात्रों ने विंटर सॉन्ग स्नो स्नो और स्प्रिंग सॉन्ग ऋतु आ गई रे पर डांस की प्रस्तुति दी। नन्हे मुन्ने बच्चों की सभी प्रस्तुतियों की सराहना की गई। मंच को नन्हे मुन्नों ने संभाला। मुख्य अतिथि नूरपुर गांव के सरपंच राजकुमार राणा रहे। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। इनो किड्स की कोऑर्डिनेटर गुरमीत कौर ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों के मन से रंगमंच का डर दूर होता है और उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। All that.